नैमिषारण्य धाम उत्तर प्रदेश राज्य के सीतापुर जिले से 30 किलोमीटर दूर एक सुंदर पवित्र स्थान जो कि नैमिषारण्य धाम नैमिषारण्य तीर्थ के नाम से जाना जाता है। आज हम नैमिषारण्य की ओर बढ़ रहे हैं। ये देखिए क्रॉसिंग बंद हो चुकी है, हम लोग निकल चुके हैं। चलिए कुछ खा लेते हैं चलकर। देखिए हमारे छोटी बहन की चप्पल टूट चुकी है। पैर छू ले। लाओ गाइस, क्या हो गया है? क्या हो गया गाइस? एक बार चप्पल मिल गई, इनकी चप्पल मिल गई। ये लो पहन लो, ये भी छोटी बहन चप्पल, ये पहन लो। नैमिषारण्य में हम लोग मंदिर की ओर बढ़ चुके हैं। यह है ददीची कुंड, एक तालाब है जहाँ पर ददीची ऋषि ने तपस्या कर अपनी हड्डियों का दान किया था। मस्त एकदम चिकना है अंदर, काई वाला है पूरा। यहाँ पर मिश्री मिलती है, यहाँ पर मिश्री नीमसार भी बोला जाता है इस जगह को, क्योंकि यहाँ पे मिश्री खूब सारी मिलती है, यहाँ बनती ही है मिश्री। और ये देखिए मार्केट कितना सुंदर है। ये है मंदिर ददीची जी ऋषि का, यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं आप। यहाँ से यहाँ पर आप फूल माला जो भी लेना चाहें, प्रसाद ले सकते हैं, और चप्पल उप्पल आप अपना उतार सकते हैं साइड में। हम लोग अंदर बढ़ चुके हैं और ये देख सकते हैं यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है ददीची ऋषि के बारे में। ये तपोभूमि बोली जाती है नैमिषारण्य। यहाँ पर सभी ऋषियों ने तपस्या करके शक्तियाँ प्राप्त करी थी, जिसमें से ददीची ऋषि भी उनमें से सर्वप्रथम थे जिन्होंने अपनी हड्डियों का दान किया था। देख सकते हैं ये ददीची जी के मंदिर बना हुआ है, बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही पवित्र जगह है। यहाँ पर आप आएंगे तो अपने आप में ही आपको एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार मिलेगा। हम लोगों को बहुत मज़ा आया था। देख सकते हैं ये कितना सुंदर जगह है। ये यहाँ पर एक मंदिर है ददीची जी का, यहाँ शिवलिंग है अंदर मंदिर के अंदर, और इधर पीछे तालाब है, बहुत सुंदर तालाब है, बहुत ही अच्छी नज़र, बहुत अच्छा नज़ारा है। अब हम लोग उस पेड़ की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर ददीची जी ने तपस्या करी थी। ये वही पेड़ है, यहाँ पर काफ़ी शिवलिंग बने हुए हैं, उन्होंने स्थापित किए थे। देख सकते हैं कितने शिवलिंग हैं। यही वो पेड़ है ददीची जी का, जहाँ तपस्या करते थे ददीची जी। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर आपको मिलेंगे। यहाँ पर कैमरा ऐसा नहीं है कि कैमरे की परमिशन नहीं है, आप कैमरे से फ़ोटोशूट भी कर सकते हैं, यहाँ पे कैमरा अलाउ है। भीड़ बहुत होती है पूर्णमासी अमावस्या को, सबसे ज़्यादा भीड़ मिलेगी आपको। कोई भी पवित्र दिन, जिस दिन कोई भी त्यौहार पड़ता है, उस दिन तो बहुत भीड़ मिलेगी। तो थोड़ा सा उस टाइम को अवॉइड करिए कि बाकी दिन यहाँ थोड़ा आपको कम भीड़ मिलेगी, आप अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। यहाँ वीरभद्र जी का मंदिर भी है। यहाँ की मार्केट बहुत सुंदर है, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप ख़रीद सकते हैं। कड़े मिल जाएंगे आपको, कॉस्मेटिक का सामान मिल जाएगा। ये ददीची जी का जो कुंड है, ये तालाब है, इसकी परिक्रमा करना माना जाता है कि इसकी परिक्रमा करना अच्छा होता है, तो हम लोग इसकी परिक्रमा। How do I deal with what I'm feeling? Maybe I just don't. What you do when I'm in progress all alone? I'm all alone. And I know nothing to do. Helps me forget about you. You just came out of the blue. If you only knew. Didn't have a cup of coffee. Let's go to a restaurant. Go to a field, pick up some strawberries. Feelings I feel when you come near me, all I can see.
together, building a future forever, loving till eternity. I see you, can't you see what you're doing to me? The way you got me, baby, it's like I can't even breathe. You're all that I need. 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 और हम लोग यहाँ लगभग 50 रुपये में 5 लोग 10-10 रुपये के आसपास पर रहे हैं। और हम लोग यहाँ पर मंदिर के पास आ गए हैं। यहाँ पे माता सती का एक गर्दन गिरी हुई थी, तो यहाँ पर माता ललिता का मंदिर है जो कि बहुत सुंदर है। यहाँ पर आना बहुत ही पवित्र माना जाता है। यहाँ पर आप दान कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं, पूजा पाठ पिंडदान भी करा जा सकता है। ये देख सकते हैं माता ललिता देवी का मंदिर। यहाँ से आपका एंट्रेंस गेट स्टार्ट हो जाता है। आप प्रसाद ले सकते हैं, आपको प्रसाद के काउंटर्स मिल जाएंगे अंदर जाने के। बाहर की मार्केट बहुत अच्छी है, देख सकते हैं कितनी अच्छी मार्केट है, प्रसाद के काउंटर्स हैं। आप अंदर से भी प्रसाद ले सकते हैं। आपको मतलब प्रसाद के लिए बोलेंगे कि इतने का ले लीजिए, 151 के ले लीजिए। आप अपने श्रद्धा के अकॉर्डिंग प्रसाद ले लीजिएगा, कोई उसमें ज़बरदस्ती नहीं है। प्रसाद लेके आप एंट्री कर सकते हैं अंदर जाके। अब हम लोग आ गए हैं यहाँ से आधे किलोमीटर की दूरी पे विष्णु जी का चक्र तीर्थ स्थल बोला जाता है। यहाँ पे विष्णु जी का चक्र गिरा था और यहीं पे एक कुंड स्थापित हो गया था। यहाँ पे नहाना पवित्र माना जाता है। कहा जाता है यहाँ पर स्नान करने से आपके समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो हम लोग ने भी यहाँ पर स्नान किया था और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आसपास इस तीर्थ की, इस चक्र की परिक्रमा करी थी। और यहाँ पे इसके पास में ही आधा किलोमीटर दूर में ही पैदल वॉक करके हम लोग खाटू श्याम के मंदिर गए। यहाँ पे चप्पल आप उतार सकते हैं बाहर, खाटू श्याम जी के दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है अंदर। हम लोग खाटू श्याम के दर्शन करने जा रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ का नज़ारा बहुत ही पवित्र, बहुत ही सुंदर है। आप जैसे ही अंदर बढ़ेंगे आपको यहाँ पर काफ़ी छोटे छोटे बच्चे मिलेंगे जो कि भागवत गीता, पुराण, वेदों का अध्ययन करते हुए मिलेंगे। ये देख सकते हैं, ये हमारे सनातन धर्म के छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि आगे आने वाले समय के भविष्य हैं हमारे। और अंदर कथा चल रही है खाटू श्याम की, तो हम लोग थोड़ी देर कथा सुन के खाटू श्याम बाबा के दर्शन करके यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो देख सकते हैं नज़ारा कितना अच्छा है। वहाँ पर कैमरा वैसे अलाउ नहीं था, हम लोग ने पीछे से ही वीडियो शूट किया था। ये देख सकते हैं यहाँ पे कथा चल रही है और ये हैं बाबा हमारे खाटू श्याम। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अब हम लोग यहीं से आगे बढ़ते हैं। यहीं से 200 मीटर दूर, 100 से 200 मीटर दूर आपको बजरंग बली के भी दर्शन करने को मिल सकते हैं। यहाँ बोला जाता है हनुमान चट्टी बोला जाता है। यहाँ हनुमान जी की बहुत ही विशाल एक सुंदर सी प्रतिमा में, जो कि आपको देखते ही आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के, मुश्किल से 15 से 20 सीढ़ियाँ चढ़ के आपको हनुमान जी के दर्शन हो जाएंगे। ये देख सकते हैं बाबा कितने सुंदर हैं, बहुत ही विशाल थे। यहाँ पे भी आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं। अंदर वैसे कैमरा अलाउ नहीं था, इसी के बस जस्ट बाहर ही निकल के यहाँ पर एक छोटा सा वाटरफॉल भी है और नज़ारा यहाँ का बहुत प्यारा है। यहाँ पर शिव जी और पार्वती जी की प्रतिमा है, देख सकते हैं माता पार्वती, देवाधिदेव महादेव। काफ़ी लोग फोटोज खिंचा रहे हैं इसके आसपास। यहाँ का ये मत करो यार। Biggest plan.